पुष्पा तो औरत है जो फ्लाई फ्लाई करता है। पुष्पा पुष्पा नाम सुन के उपला बांधने वाला समझ जाते सफलाई आरम में मैं झुकेगा नहीं सा। ओम पो पुष्पा जी हम धर रहे थे काट रहे हो लट्सू जाए कहीं झुकेगा तो भी झुका देखो कह रहा छोड़ दो भाव को छोड़ दो क्या है जमानत के कागज छोड़ दो इसे लेना है कहाँ है तुझे भाव भाव मैं आपको झुकाने आ गया सॉरी झुकाने आ गया चल दोबारा पकड़ लेंगे। ए भाव कहाँ हो पुलिस स्टेशन में तब बहुत मारो सालों ने चल भी बेचैन करो यार। तो भाव तुमने उनसे कुछ कही नहीं तो कहा क्या तो भैया भाव तुम्हारे जाने के बाद गुंडा रेडी आया कौन है गुंडा रेडी भाव गुंडा हरदम रेडी रहे हम भी तो देखा कितना रेडी रहे चल भाई का अड्डे पर चल रहे गुंडा रेडी का अड्डा पुष्पा नहीं आया अभी भाई आ रहा है अभी भाऊ ये लगता गुंडा गुंडा रेडी करता हूँ जी ये गुंडा आओ पुष्पा आओ बैठो बैठ तो जाऊंगा ही मैंने बुलाया क्यों है पुष्पा से हम ए, माल है माल, माल बोल। अच्छा वो लोग तुम्हें 25 देते मैं तुम्हें 50 दूंगा ऐसा क्या चल ठीक है आज से माल तुझे ही आएगा ठीक है पता माल कहाँ पहुँचाना है मेरे आदमी तेरे ले पाएंगे दो ट्रक माल उनके हाथ में सौंप देना ठीक है भाव आप तो मजा आओ तेरी चित्र को दिख नहीं हो तो सही कह रहा हूँ पप्पा को यार पत्र का आवे ये सब ये बाबू शाम को जाइए राम के लिए पिटोरा खरीद ले जी ये सब ये बाबू का गाड़ी निकाल जी भगवान तो गाड़ी ना अभी गाड़ी कहाँ की तो भाव मैंने तो गाड़ी यहीं खड़ी करी फिर कौन लेगा गाड़ी मैं पता ना भाव कौन लेगा तब तो पैदल चलते हैं ना भाव तुम्हारा डायलॉग ना तो मैंने कहीं मैं आया गाड़ी पे और जाऊंगा भी गाड़ी पे ही बस लुटवा के छोड़ेगा चल पवन ने बिना माल मैं तो पी लूंगी भाई
ये माल लेने आए हैं। ले दो माल। चलो हेलो। हाँ पुष्पा, गुंडा रेडी तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा हो, तुम्हें बस तुम्हारे माल के आधे रुपए दे रहा हो। तुम अपना माल हमें दो, हम तुम्हें तुम्हारे माल के सही रुपए देंगे। अच्छा, मुझे ना पता था कि उपला के व्यापार में इतना मुनाफा है। बताओ कहाँ पहुँचाना है माल? बुलंद शहर में काले आम के धोरे पहुँच गई। कैसा जी बाबू? चल गुंडा रेडी के अड्डे पे चलते हैं, चल गाड़ी निकाल ला। जाता हूँ। मैं और मेरा भाई प्रधान आलिए रहे। बात का ना ये मार दे सर। भाव मैं तो पतल आओ पुष्पा बैठो, कैसा ना हुआ? पहले तू काम कर दे रहा ले जाओ से तू आ दो। मुझे अपने माल का 50% अधिक चाहिए। तुम देख रहे हो क्या हालत? इधर बस खत्म आया हमारा। तभी तो इसमें इतना रिस्क देखकर मैं 50% के लिए बोला, मैं तो 25 के लिए आया था। चल ठीक है, आज से हमारा माल बुलंद शहर जाएगा। चलता हूँ मैं अब। बात है पुष्पा नाम सुनकर बेजरबानी समझ रो दिख है। मैं झुकेगा नहीं साला। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? भाव तुमने इसका गुस्से में सब ठीक होंगे, घीरा नहीं मारे हैं ये। सही कह रहे हो भाइयों, हमें क्षमा करें, हमारी वीडियो लेट हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि हम भूस ढोने में और गेहूँ काटने में बिजी है। पर यूँ ना कि तुम हमारी वीडियो को लाइक ना करो, अपना प्यार बनाए रखो यार, हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करियो। सब्सक्राइब तो जरूरी कर दियो भाइयों, वीडियो को शेयर तो कर दो, फैला दो, आग लगा दो जमाने में, आग लगा दो।